नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ शहर में ई रिक्शा चलाने के मामले में लगातार हो रही पुलिस की कार्यवाही को लेकर ई रिक्शा जन कल्याण समिति ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और इस दौरान अपनी मांगों के समर्थन पर नारे भी लगाए, अपनी मांगों का ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। ई रिक्शा जन कल्याण समिति के उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम ने बताया कि पुलिस का कहना है कि शहर में ई रिक्शा की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, इसके चलते आए दिन जाम लगता है, जिसको लेकर नो एंट्री और वन वे जोन भी बनाया गया है। इसके अलावा ये आरोप लगाया जाता है कि ई रिक्शा नाबालिग द्वारा चलाया जाता है, बिना लाइसेंस के भी चलाए जाते हैं, इससे कई बार हादसा हो जाता है, लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। मामले में आफ्ताब आलम ने कहा कि यह सही बात है कि ई रिक्शा नाबालिग चलाते पकड़े गए हैं, लेकिन यह संख्या बहुत कम है। ई रिक्शा को लेकर कहा कि इससे प्रदूषण भी नहीं होता है, इसकी चौड़ाई भी 1 मीटर से कम है। शहर के अंदर आए दिन जो जाम लगता है, इसका मुख्य कारण चार पहिया वाहन और स्कूल बस है। पुलिस प्रशासन की तरफ से नो एंट्री और वन वे का नियम बनाया गया है, जिसमें ई रिक्शा को नहीं जाने दिया जाता, लेकिन चार पहिया वाहनों पर कोई रोक नहीं है। इसलिए समिति मांग करती है कि चार पहिया वाहनों को बाईपास पर ही रोक दिया जाए, ई रिक्शा के लिए शहर में कहीं भी आने जाने की छूट हो। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। हम ई रिक्शा जन कल्याण समिति के उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम है। मामला सर ये है कि यहाँ पे नाबालिग दूसरे है, बिना लाइसेंस के लोग गाड़ी चला रहे हैं, ई रिक्शा लोग पलट जा रहे हैं, नाम जो बेहतर चला रहे हैं उनके भी बदनामी हो रही है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है, वन वे में जो फोर व्हीलर क्रॉस हो जाती है, ई रिक्शों के लिए वन वे नो एंट्री बना दिया गया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि ई रिक्शा शहर के लिए बनी है, तो ये ई रिक्शा शहर में चले और जो फोर व्हीलर जो बाईपास अपना चला जाए, और ई रिक्शे के लिए वन वे नो एंट्री बना दिया गया है। और जो हम सोच रहे हैं जो विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं, नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, उनको समझाया जाए, उनको चालान काटा जाए, ताकि वो गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि वो सवारी बैठाते हैं, लेके जाते हैं, कहीं उलट पलट जाते हैं, तो जो बेहतर चलाते हैं उनका भी चालान हो जा रहा है, वो भी किसी और जो सवारी बैठाते हैं उनके हाथ पर टूट जा रहा है। अब बदनाम सारे ई रिक्शे वाले हो रहे हैं कि ई रिक्शा पलट जाती है। क्यों पलट जाती है? हम 5 साल 6 साल से ई रिक्शा चला रहे हैं, कभी नहीं पलटी। तो बिना एक्सपीरियंस वाले लोग चलाएंगे तो गाड़ी पलटेगी ही। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हम महोदय से निवेदन करते हैं कि जितने भी हमारे जन कल्याण समिति के सदस्य हैं, सब वैलिड हैं, सब जिम्मेदार हैं, सब लाइसेंस धारक हैं, और सब जो है टोटल बेहतर सवारी ढोते हैं, अब बेहतर ढंग से गाड़ी खड़ी करते हैं, रोकते हैं, सवारी उठाते हैं, बैठाते हैं। और जो नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाए हैं, जहाँ सवारी हाथ दी वहाँ खड़ा कर देते हैं, पीछे से कोई ठोकर मार दिया, उसमें बदनाम एक लोगों की वजह से सारे लोग बदनाम होते हैं। तो हम सोच रहे कि ये चीज़ ना हो, जो नाबालिग हैं, जो विदाउट लाइसेंसी हैं, उनको हटा दीजिए आजमगढ़ से। अब हमारे एसपी साहब कह रहे हैं कि ई रिक्शा बहुत ज़्यादा होगा, रिक्शा जाम लगता है। ठीक, हम मान लिए रिक्शा जाम लगता है, लेकिन फोर व्हीलर्स भी लोग आते हैं, फोर व्हीलर को लंबी जगह चाहिए होती है। हमारा ई रिक्शा जो 1 मीटर से कम है, 87 सेंटीमीटर की है, मतलब 1 मीटर से भी कम है ई रिक्शा, जो कि बाइक के जगह भी क्रॉस हो जाती है ई रिक्शा, और उसके बावजूद ई रिक्शा जाम लग जाता है। वहीं फोर व्हीलर आते हैं, सिविली कर एंट्री कर जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि वन वे नो एंट्री सबके लिए बराबर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे ई रिक्शा हो, सब अगर पालन करें तो हम भी पालन करेंगे। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।